Hello to all. Let's start our next drawing. And this one is man-made object drawing. जिसको ध्यान से देखना है और इन दोनों में से एक आपको printed book में बनानी है और एक आपको plain book में बनानी है. तो मैं यहाँ पे ऊपर वाली drawing जो है जग बना हुआ है वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे plain book में. तो इसका सबसे पहले ये जो इसकी ढक्कन जो बना हुआ है वो हम पहले बना लेते हैं. बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे तरह से. और इसमें आपको कलरिंग नहीं करना, आपको यहाँ पे शेडिंग करना है, पेंसिल शेडिंग. इसको थोड़ा सा बाहर की ओर निकालना है. ओके, इस तरह से. और अब हम यहाँ पे स्केल की हेल्प लेंगे थोड़ी. ये पोर्शन से हम इतना ये गैप छोड़ेंगे और ये सीधा स्केल जाने दिया. दूसरी साइड से भी एग्जैक्टली जो वहाँ पे किया वो यहाँ पे भी करेंगे. दैट्स इट. एंड इस वाले एरिया से ये जो एंड पोर्शन है यहाँ से हम ये बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन हम यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं और ये इसके ऊपर ये थोड़ा ऊपर तक जाएगा और ये यहाँ ऊपर जाने देंगे हम. एंड ये इस तरह से जिसका मुंह बना देंगे. और अब ये नीचे के पॉइंट से यहाँ से नॉर्मली एक्चुअली ये पूरा कंप्लीट लाइन तो नहीं की हुई है बट हम ये कर लेते हैं. ये करने के बाद ये पॉइंट से हैंडल जो इसका जग को होल्ड करने का है वो हम बना लेते हैं इस तरह का थोड़ा पतला. बाद में हम इसमें शेडिंग कर देंगे. ओके, ये एक्चुअली हमारा फाइनल है तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं. इस तरह से. और ये पॉइंट पे हम यहाँ पे बनाना बना लेंगे. थोड़ा ही गैप देके दूसरी वाली डंटल. और इस पॉइंट से ये सिर्फ इतना रखेंगे और दूसरे वाले से
दैट्स इट। अभी ये पॉइंट पे बिल्कुल सेंटर में आप देख रहे हो एप्पल की ये जो डंठल है वो हम बना रहे हैं, और ये यहाँ से बिल्कुल राउंड शेप पर ये यहां से बिल्कुल टच करते हुए ये एप्पल हो गया। एंड अब ये वाली लाइन एज इट इज रहेगी और सेंटर वाली हम मिटा देंगे। ये यहाँ पे रहेगा और ये रब हो जाएगा, और यहाँ से अब हम ये अंदर की साइड इस तरह से लेंगे और ये बाहर निकालते हुए सीधा थोड़ा और इसको अंदर लेंगे। ये हो गया। एंड नाउ यहाँ पे कप और सॉसर बना हुआ है वो हम बना लेते हैं। इस तरह का ये हम कप बना लेंगे स्ट्रेट थोड़ा, एक्चुअली चौड़ा और है इसको कम कर देंगे हम। और इस पॉइंट से हम ये सॉसर वो बना लेते हैं। That's it. अब ये हो गया। अब इसमें शेडिंग कैसे करनी है वो हम देखेंगे। जो जो पोर्शन हो गया है उसको तो हम थोड़ा सा डार्क कर ही देंगे, और ये थोड़ा थोड़ा शेडेड हम यहाँ पे कर देंगे। और ये जैसे इसका ढक्कन हो गया है तो इसका आउटलाइन हम जो है थोड़ा डार्क करेंगे, ऑल ओवर पूरा डार्क। और उसके बाद इस पॉइंट से इस तरह से हम ये, अगर थोड़ा बहुत कुछ बाहर निकलता है तो कोई इशू नहीं है, हम उसको इरेज कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी गैपिंग देते हुए इस तरह से दूसरी साइड में भी जो आउटलाइन वाला एरिया है उसको हम थोड़ा सा डार्क ही रखेंगे, अंदर का थोड़ा सा लाइट होगा तो चलेगा। दैट्स इट। एंड अब ये जग की बारी आती है, तो उसको करने के लिए अभी सपोज ये है तो इसको हम डार्क कर देंगे, ये डार्क करके ऑल ओवर पूरा का पूरा डार्क। एक्चुअली इसमें ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसमें ब्लैक कलर से मार्कर पेन हो या फिर सीधी मार्कर पेन हो, स्केच कलर और ब्लैक, उससे आप इसमें आउटलाइन कर सकते हैं इस तरह से डार्क करके, और इसमें लाइट लाइट शेड पेंसिल से हम कर देंगे। अब जैसे ये है
तो यहाँ पर हम ये पॉइंट पे हम थोड़ा पेंसिल पे थोड़ा सा प्रेशर करेंगे हाथों का, ये इस तरह से। एक्स्ट्रा में बाहर जा रहा है कोई बात नहीं है, इतना गैप दिया। हाइलाइटेड पॉइंट्स जो हम सेवेंथ में कर चुके हैं वो एरिया हमें स्किप करते हुए पूरे में हमें ये इधर चले जाना है। अब इधर टर्न कर लेंगे और ये पॉइंट पे इधर थोड़ी सी डार्कनेस ज्यादा चाहिए। बिल्कुल इस तरह से ये इरेज कर देंगे और सेम जैसे मैंने बोला था, अगर हमारा फाइनल है तो हम उसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। और इसमें फिर हम पेंसिल से शेड कर देंगे, थोड़ा बहुत बाहर जा रहा है तो उसको हम इरेज भी कर सकते हैं। एप्पल का भी वही सेम, इस तरह से। और इस पोर्शन को हम थोड़ा सा डार्क करते हुए, बिल्कुल डार्क। अगर डार्क आपसे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो कोई इशू नहीं, आप शेडिंग कर दो और उसके बाद आप इसमें कलर कर सकते हैं। जो आउटलाइन पोर्शन है वहाँ से थोड़ा सा शेडेड ब्लैकिश ज़्यादा दिखेगा, इस तरह का। एक्स्ट्रा वाला इरेज हो जाएगा। ओके, सेम बनाना में भी ऐसे ही करेंगे आप, सॉसर में भी ऐसे ही। तो इसी तरह से इसमें आप पेंसिल शेडिंग वाला कंप्लीट करेंगे ड्राइंग आउटलाइन के साथ। ओके, थैंक यू।